नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। काशीपुर से लगे थानाकुंडा क्षेत्र में 5 दिन पहले मिट्टी उठाने को लेकर हुए विवाद और गोलीकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए वारदात में शामिल आरोपियों में से दूसरे आरोपी जगरूप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी ग्राम भरतपुर पन्नू फार्मा तथा कुंडा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसको न्यायालय के सामने पेश किया गया। कि रात को जो गोली मारने वाली घटना हुई थी थानाकुंडा क्षेत्र के केसरीपुर गांव में पन्नू फार्म के नज़दीक, तो उसमें वहां पर जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस गई और वहां पर मौके पर देखा तो वहां पर दो पक्ष थे, अनूप सिंह जोगा सिंह। जोगा सिंह को कुछ चोट आई थी तो अनूप सिंह और जोगा सिंह द्वारा बताया गया कि ये जो गोलीबारी की गई है ये सतनाम सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जगरूप सिंह और गुरप्रीत के द्वारा की गई है। ये दोनों ही लोग वहाँ पर मिट्टी का जो है अवैध खनन का काम करते हैं और वहाँ पर जब पुलिस गई तो वहाँ कुछ खोके भी बरामद हुए। जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पर पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य के बजट में हर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए, इसलिए वो पर्यटन मैन्युफैक्चरिंग सहित सभी तहत के कारोबारी किसानों प्रतिनिधियों से वार्ता कर बजट के लिए उनके आवश्यक सुझाव मांग रहे हैं। सुझावों को राज्य के आगामी बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सही नीति बनाकर आगे बढ़ने में मदद मिल सके। अरे पांडे जी का सभी समूह के लोगों व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दूध संघ में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर को, और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण है जिला पंचायत समाज के जो प्रतिनिधि करने वाले हैं, हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव और उन सुझावों के आधार पर। काशीपुर में देर शाम एक होटल में सेक्स रैकेट की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने छापे मारकर होटल से 1.5 दर्जन से अधिक युवक युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। आपको बता दें कि काशीपुर में कुंडा थाना क्षेत्र के मंडी पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर होटल पैराडाइज स्थित है। होटल का मालिक और उसका बेटा पहले भी पॉक्सो एक्ट में जेल की हवा खा चुका है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल रुद्रपुर की टीम ने इंचार्ज श्रीमती वंशियार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस की मदद से होटल में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने होटल में 1.5 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों को पकड़ लिया। हाँ, इसमें ऑनर भी इन्वॉल्व है, ऑनरों का भी नाम प्रकाश में आया है और ये सभी लोग मिल करके इसमें इस तरह से धंधा करा रहे हैं और इसमें जो जांच की जाएगी उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके बाद हम आपको अलग से। सभी भी मंडी जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ धंधा चला था, लगातार स्थानीय लोगों का कहना है काफ़ी लंबे समय से धंधा चला था, लेकिन रुद्रपुर की टीम ने एक खुलासा किया है, लोकल पुलिस नहीं कर पाई, इस पर क्या कहना है? इसमें ये है कि देखो चौकी नज़दीक है, इससे ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब रोज इस तरह से मतलब पुलिस छापा मारे। हमारी एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम पूरे ज़िले के लिए बनी हुई है, इसमें इस तरह का जो शिकायत आती है चौकी थानों में वो भी हमको ही बताते हैं, तो हम इसी में कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए ज़िले में ये यूनिट अलग से स्पेशल यूनिट का गठन किया गया है, इसमें हम ये काम करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर कैची धाम महाराज नीम करौली बाबा के आश्रम में पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने देर रात तक बजट संवाद की जानकारी लेने के बाद नैनीताल क्लब में सुबह से ही आम जनता की समस्याओं को सुना। इसके बाद सड़क मार्ग होते हुए भीमताल विकासखंड के क्षेत्रांतर्गत भवाली मंदिर कैची धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास कई वर्षों से जय जननी जय भारत के सदस्यों द्वारा हर रविवार को सफाई अभियान चलाया जाता है, जहां पर्यावरण मित्र यानी कि सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पाते, वहां ये जय जननी जय भारत के सदस्य नगर पालिका सभासद मनोज जगाती के नेतृत्व में गहरी खाई से कूड़ा उठाकर सफाई का जनता को संदेश देते नजर आते हैं। हरदोई में भारत स्काउट और गाइड के तत्वाधान में भीषण गर्मी में शीतल निःशुल्क जल सेवा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में रविवार को अमूमन विद्यार्थियों का अवकाश होने के बावजूद स्काउट गाइड के लोग तपती धूप में राहगीरों को जल परोसने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं।
हम लोगों के द्वारा रागिरों को प्यासों को पानी पिलाया जा रहा है। हमारे हरदोई स्काउट गाइड की ओर से हर जगह कई जगह पे मतलब कार्यक्रम ही चल रहा है मेरा पानी पिलाने का। मेरे सर रमेश चंद्र वर्मा जी इनकी तरफ से लगाया और यहाँ पानी लोगों को पिलाया और हम लोगों को भी संतुष्टि होती है क्योंकि दूसरों की सेवा करना ही स्काउटिंग का मेन उद्देश्य होता है। कब से सेवा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 12 तारीख से कर रहे हैं यहाँ। ये भारतीय स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश जिला संस्था हरदोई द्वारा ये 1 मई से प्रारंभ होकर के 20 मई तक लगातार जल सेवा शिविर प्रारंभ किया गया है। और इसके अलावा पूरे जनपद में जिला मुख्यायुक्त आदरणीय श्री बीके दुबे के द्वारा पूरे जनपद में ये शिविर चल रहे हैं। तो स्काउट गाइड का एक कर्तव्य होता है कि हमेशा सेवा करते रहें, इनका मोटो ही है सेवा करना। SPCT डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कलहेड़ी में चौपाल लगाकर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के साथ संवाद किया। शासन द्वारा महिलाओं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। महिलाओं और बालिकाओं में खुशी की लहर भी देखने को मिली। मिशन शक्ति के अंतर्गत आज नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान की दिशा में आगे बढ़ते हुए ग्राम यहाँ पर आज कलेड़ी में एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में सभी महिलाओं को, बालिकाओं को लाभ के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया। हमीरपुर में डायरेक्ट 112 की गाड़ी ने ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक लगने से गाड़ी खाई में जा गिरी। APRB कमांडर सहित सिपाही घायल हो गया। ड्राइवर ट्रक को लेकर फरार हो गया। मोधा कोतवाली क्षेत्र के चिरका गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में रिलायंस के रेडीमेड ट्रेंड शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, जबकि आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि पूरे जनपद से आग बुझाने के लिए गाड़ियां मंगाई गई हैं, जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। ग्राहक और कर्मचारियों को शोरूम के अंदर से सुरक्षित निकाला गया है। गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास जारी है। नजीमाबाद, धामपुर, नगीना और चांदपुर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।